रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बताता चलूं, इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है। जो लोग पहले एमरेट्स एयरलाइन ने कहा था कि जो है जो लोग जो है कोरोना का टेस्ट करवाएंगे, जिनका कोरोना का टेस्ट यानी कि आएगा कि इनको कोरोना नहीं है, तो वो दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में उन्होंने ये अपना चेंज कर लिया था। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि PIA ने भी यही कहा है कि कोरोना का टेस्ट करवाएं, अगर कोरोना अगर आपको नहीं है तो आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने पहले भी, आपको ये बताने का मकसद है कि ISA से आप लोग अप्रूवल ज़रूर करवा के फिर आप लोग टिकट बुक करवाएं। अगर आप उसके बगैर टिकट बुक करवाएंगे, अगर आपको लगेगा कि PIA ने तो कह दिया, अब हम लोग कोरोना का टेस्ट करवा के GTRF से के अप्रूवल के बगैर हम लोग ट्रैवल कर लेंगे, तो आपको नहीं बिठाया जाएगा। बहुत से लोग एमरेट्स एयरलाइन की टिकटें बुक करवा के उन्होंने कहा अब हमें तो ISA से और GTRF से जो हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब एयरपोर्ट पहुंचे, टिकट ले ली थी उन्होंने, खरीद ली थी, तो उनको फिर प्लेन में बिठाया नहीं गया, क्योंकि उनको ये कहा कि आपके पास अप्रूवल है GTRF वगैरह से, क्योंकि उसके साथ आपको पेपर साल लगाना पड़ता है। तो फिर उनको टिकटें उनकी ज़ाया गई, रिफ़ंड करवाया, उनके नुकसान हुए। तो आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे एक आपके साथ एक लिंक है, आपको हर तरह की न्यूज़ देते रहते हैं। इस बात का हमें पता चला, मैंने कहा आपका भी कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं आप भी टिकट PIA के ले के कि आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे। PIA ने कहा ये जितने ट्रैवल एजेंसी होती हैं, ये जितने भी लोग होते हैं, ये अपनी टिकटें बेचनी होती हैं, इन्होंने अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, इनके ऊपर बड़ा बड़ा रेंट वगैरह हर चीज़ का बोझ होता है, तो इन्होंने हर लिहाज से टिकट बेचनी। बाद में जब आप रिफ़ंड कराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा सारे घर वालों को मिलकर जब एयरपोर्ट जाते हैं फिर आप वापस घर आएंगे, शर्मिंदगी अलहदा होती है। तो बाहर हर चीज़ से नुकसान से बचने के लिए मैंने आपको ये बताया। अपना ख्याल रखें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।